नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार है। आप तो पहले वीडियो भी देखा होगा, मेरा पहला वीडियो जैसे ट्रांसप्लांट करने से पहले भी कुछ फ़ोटो था और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी कुछ फ़ोटो था, आपने तो सब देखे होंगे। और फिर बाद में आएंगे कि हम ट्रांसप्लांट जैसे करने से पहले मैं आना सिर्फ मकसद यही था कि ये चीज़ में जो लोग काफ़ी परेशान थे और मैं जो भी परेशान हूँ, सॉरी परेशान जो था, उस चीज़ में क्या करने से बेहतर होगा, यही सोच के मैंने काफ़ी यानी कि बहुत सारे जगह घूम चुका था। कुछ यानी कि ओवरऑल कुछ कई डॉक्टर लोग अच्छे नहीं थे, वो कई का माहौल अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा था मैं बहुत जगह पे फिर नहीं था। उसके बाद फिर मुझे स्ट्रीट गाइड की तरफ से यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया गया कि हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक में, और जैसे ही मैं गया देखा कि कुछ अच्छा लगा उधर का क्लाइमेट और उसके साथ साथ वहाँ का डॉक्टर लोग का बिहेवियर सब कुछ बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया। और ट्रांसप्लांट जैसे ही करवाया, करीब जुलाई 8 तारीख को मैं किया था ट्रांसप्लांट। उसके बाद डॉक्टर ने सब कुछ यानी कि रहने के लिए दो दिन का रहने के लिए बंदोबस्त करवा दिए थे होटल का, फिर साथ में मेडिसिन और खाने पीने का बंदोबस्त सब करवा दिए थे साथ में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि EMI ऑप्शन के साथ भी यहाँ पर करवाए थे। हाँ, या किसी को अगर कुछ यानी कि सबको किसी को कुछ ना कुछ तो संकोच रहता है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे बेफिक्र रह के मैं वहाँ पे करवा दिया था। फिर कॉस्ट का अगर हम देखेंगे, कॉस्ट तो लगभग 62,000 खर्चा हुआ था हमारा ओवरऑल सब मिला के। फिर अगर बाल का देखेंगे तो 4,500, करीब 4,500 परफेक्टली एग्जैक्टली नहीं, आप गिनती कर रहे हो ना, मैं गिनती कर रहा हूँ, पर एग्जैक्टली देखेंगे तो 4,500 बाल लगाए गए हैं। और मेरा तो यहाँ तक नहीं था, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ तक नहीं था, करीब यहाँ तक नहीं था, यहाँ से पूरा पहले ही जैसे ही जाओगे आप डॉक्टर, पहले उसका मैप देखा देंगे आपको कि कैसे करना है, आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, कैसे आपको पहले मैप दिखाएंगे, वो मैप के अनुसार आपको दिखाएंगे। हाँ, आप खुश हैं तो उसी हिसाब से करेंगे, नहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिट करना है तो भी फिर आप पहले से ट्रांसप्लांट पहले से ही आपको जैसे ही मैप दिखाएंगे उसी हिसाब से आप बोल भी सकते हैं, ऐसे हिसाब से आपको फॉलो करके करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, और इसीलिए मैं आपको सबके साथ, मुझे ये मन न लगा कि हाँ ये एक्सपीरियंस मैं जो मेरे साथ जो बीता है आपके साथ वो ना हो, इसलिए मैं आपके साथ सोचा कि अच्छा सोचा कि मैं ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दूँ। अगर आपको कुछ डाउट है कि दर्द होगा, दर्द भाई चींटी काटने पर भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, बस करीब 6-7 दिन दर्द होगा, उसके बाद तो और कुछ दर्द बोल के नहीं होगा। और जैसे ही 4-6 महीने, ये तो 4 महीने हो गया, और फिर जैसे ही पूरे महीने भर जाएगा और 2-4 महीने के बाद फिर एक वीडियो डाल देंगे और दिखा लूँगा कि भाई रिजल्ट जो है, नाम से मेरे हिसाब से नाम से कुछ नहीं है, काम से देखो, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ काम से बेहतर हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशल थैंक्स अपना डॉक्टर लोगों को और जिन्होंने रेफरेंस किया, और मेरा तो आज 4 महीने हो गया, और फिर अभी तो देख रहे हो, देखो पूरा बाल हाथ में भी ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, बाला भी स्पाइस कट भी कर सकते हैं कुछ ही दिन बाद पूरा बिंदा से। मैं बहुत खुश हूँ भाई, और किसी ने डरो मत कि ये कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल बस आपको चुनना है कि कहाँ पे अच्छा है कहाँ पे बुरा है, ये चुनना है, ये आपका जिम्मेदारी होता है। और बस कहाँ पे भी कैसे भी करो कुछ भी करो, ये बिना ट्रांसप्लांट के बगैर हेयर यानी कि हेयर ग्रोथ होना नामुमकिन है, कुछ भी कितना भी दवाई करो उसमें कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। और उसके बाद मैं तो आपको कुछ सब कुछ सजेस्ट कर दिया, और बाकी सब और जिसमें अगर चाहिए तो अपना फ़ोन नंबर भी है, मैं बाद में डॉक्टर लोगों को बोल दूंगा कि मेरा फ़ोन नंबर, किसी को अगर कुछ डाउट है तो फिर मेरा फ़ोन कर सकते हो कभी भी, लेकिन हाँ कभी समय बोले तो मैं भी एक प्राइवेट जॉब वाला हूँ, आप 6:30 बजे से यानी कि शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, फुर्सत मिले तो आप कभी भी फ़ोन, अगर कुछ डाउट है तो कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।